न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी जिला के गांव सहारनवास स्थित शांति देवी लॉ कॉलेज में आज 8वां एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक चिरंजीव राव ने शिरकत की, जबकि स्पेशल गेस्ट के तौर पर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव व कॉलेज के चेयरपर्सन श्रीमती शकुंतला यादव और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के एस यादव और मीनाक्षी यादव मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि यह मीट 2 दिन तक चलेगी, जिसमें लॉ कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, एमबीए कॉलेज और बीएड कॉलेज के छात्रों ने हिस्सा लिया है। उन्होंने बताया कि सर्वांगीण विकास के लिए खेल काफी महत्व रखते हैं, इसलिए हम समय समय पर खेल प्रतियोगिताएं कराते हैं। उन्होंने कहा कि खेलों को खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेलने से शरीर तो स्वस्थ होता ही है, साथ ही आपस में भाईचारा भी बढ़ता है। कार्यक्रम के दौरान अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें कॉलेज के छात्रों ने अपनी प्रतिभा का जोरदार प्रदर्शन किया। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। ये 8वां एनुअल मीट है, हर साल हम लोग ये करते हैं कॉलेज की, और हमारे दादाजी स्वर्गीय राव बैसन जी की याद के अंदर हर साल हम इसको कराते हैं। और इसके लिए अच्छा ये है कि बच्चों के लिए मनोरंजन भी हो जाता है और साथ के साथ स्पोर्ट्स का भी हो जाता है, तो एक बहुत अच्छी पहल हमारे कॉलेज हर साल ये करते हैं। क्या 2 दिवसीय आयोजन है इसमें? थोड़ा 2 दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें अलग अलग तरह की प्रतियोगिता है, क्रिकेट है, खो खो है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है और 100 मीटर 200 मीटर रेस हमारी दोनों की है, बॉयज़ गर्ल्स दोनों की यहाँ पर कराई जा रही है। आपने तो देखिए, मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ, हमारे दादाजी की याद में होता है, रब की बार मुझे चीफ गेस्ट बनाया गया, तो बहुत अच्छी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरे मैनेजमेंट के। आप विधायक भी हैं। आज ये हमारा 8वां स्पोर्ट्स मीट है और आज हमारे बीच में अपने ही कॉलेज का हमारे यहाँ रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव चीफ गेस्ट बन के आए हैं, और ये थोड़ा जल्दबाजी में हुआ है। आपने जो कहा है कि बाहर के लोगों की टीम, हमने और भी टीम बुलानी थी लेकिन इनका शेष स्टार्ट होना था, इसलिए जल्दबाजी में 2 दिन ही मिला, इसलिए अपने कॉलेज सभी अपने 4 कॉलेजों का ही पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है, एक्टिविटी जो फिजिकल एक्टिविटी वो बहुत जरूरी, उसके बिना मतलब अधूरा है काम। 4 कॉलेज है, एक तो राव अवेसिंग पीजी कॉलेज है और एमबीए है, लॉ है, नर्सिंग है, इन तमाम जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, तो हमारा जो है ये 8वां एनुअल एथलेटिक्स मीट है और मुझे बेहद खुशी है कि इसका जो नाम है, जो मेरी माता चली हैं श्रीमती शांति देवी के नाम से जो ये हमारी संस्था चल रही है और मेरे फादर के नाम से जो संस्थाएं चल रही हैं, मेरे पिता का उद्देश्य ये था कि शिक्षा को हम प्रचार और प्रसार करें, तो उस कड़ी में हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है और स्पोर्ट्स मीट करने का मकसद एक ही है कि प्रतिभा निकल के आए। जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं, मुझे उम्मीद है कि ये इसके अलावा और भी जगह स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और आगे बढ़ें। कितने दिन चलेगा ये? कल समापन है, कल हमारी जो पूर्व जस्टिस निर्मल यादव जी हैं वो कल चीफ गेस्ट हैं, वो कल इसका समापन करेंगी और बाकी हम लोग भी यहीं रहेंगे। और तो आपको लगता है, आपको लगता है इसमें और बढ़ोतरी जो हमारे खुद की जो हमारी जो संस्थाओं के बीच में हम कर रहे हैं, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम बाहर के लोग भी बुलाएं। हमारे बीच में जनरल कर्ण सिंह यादव जी भी आए हुए हैं जो हाईली डेकोरेटेड कॉलेज आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उद्देश्य एक ही है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें। ये बहुत अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स कंपटीशन जो ऑर्गेनाइज हुआ है, इसमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट और भाईचारे की स्पिरिट ये सब एकदम उभर के आती हैं, जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये तो यहाँ से इस लेवल से होती है, ये उम्मीद है कि ये सीख के आगे भी ऐसी करेंगे।